पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध की एक निशानी आज भी राजस्थान के भरतपुर में स्थित गोवर्धन गेट चौराहे की शान और भारतीय फौज की बहादुरी को बढ़ा रहा है। गोवर्धन गेट चौराहे पर पाकिस्तान का वो अविजित टैंक रखा हुआ है जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत से लड़ने के लिए दिया था, लेकिन पाकिस्तान को हराने के बाद भारत के वीर जवान इस टैंक को अपने साथ भारत ले आए थे। भरतपुर के लोगों के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को इस टैंक को देते समय बताया था कि ये अविजित टैंक है और इस पर किसी भी मिसाइल बम या आग्नेय शस्त्र का असर नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय फौज के जवानों ने इसे ध्वस्त कर दिया था। उस युद्ध में भरतपुर के भी 3 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनकी शहादत को सलाम करते हुए देश के रक्षा मंत्रालय ने यह टैंक बतौर अवार्ड और यादगार बनाने के लिए भरतपुर को दिया था। यहां आने वाले देशी विदेशी सैलानी इस टैंक को देखकर भारत के जवानों की शहादत और वीरता को सलाम करते हैं। तो वहाँ रोहिला सरदारों ने, बलूचों ने जब उनके ऊपर आक्रमण किया है तो यहाँ के जो पुराने लक्ष्मण जी मंदिर हैं, जो वेंकटेश जी महाराज, तो उनको निशाना बना करके जब गोली मारी गई है तो वो वेंकटेश जी महाराज की छाती में लगी है। और इसका आज भी जो है पुराने लक्ष्मण जी मंदिर में जो वेंकटेश महाराज की जो प्रतिमा जो युद्ध में गई थी हाथी के हौदा पर, वो आज भी उनकी छाती में गोली लगी हुई प्रमाण के स्वरूप में देखी जा सकती है। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में भी हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने बुरी तरह से मात खाई थी। भारत की सेना ने पाकिस्तान के सैनिकों को, उनके हथियारों को और वाहनों पर भी अपने कब्जे में ले लिया था। एक टैंक तो गोवर्धन गेट पर भरतपुर में शोभा बढ़ा रहा है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा हिम्मत की तो भारत का आधा घंटा भी समय झेलने के लायक इसके पास सामान नहीं। वैसे भारतवर्ष की फौज ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और बांग्लादेश को अलग किया था, 1,00,000 फौज का आत्मसमर्पण कराया था। भरतपुर के वीरों ने जो वीरता दिखाई थी, तो ये देश के रक्षा मंत्री ने भरतपुर को भेंट किया था, जो भरतपुर की जनता ने गोवर्धन गेट पर इसको सजा करके रख दिया और यहाँ एक छोटा मोटा पार्क भी बना दिया।